भारत का भौगोलिक विस्तार विस्तार देखते हैं। भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 2 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत के मानक समय की बात करें तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी नामक क्षेत्र से होकर के गुजरता है, और जो मानक समय रेखा है वो भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है तथा तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर और द्वीपों सहित 7,716.6 किलोमीटर तक विस्तृत है। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा का घटते क्रम में बात करें तो सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठवां भूटान एवं अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमाओं का घटते क्रम में अनुपात बताया। देश की चतुर्दिक सीमा या अंतिक सीमा अंतिम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल और पश्चिमतम बिंदु गौर माता गुजरात एवं पूर्वतम बिंदु किवत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रमुख चैनल एवं जल डमरू मध्य की बात करें तो ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया में स्थित है, और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य स्थित है, 9 डिग्री चैनल मिनिका एवं लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, और 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य द्वीप हैं, जैसे मरकत द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, और रामेश्वरम पम्बन द्वीप पर स्थित है। ये थी भारत की कुछ संक्षिप्त जानकारी।